पैसा के सरपंच के लिए वो नहीं दिया है। अच्छा, तो जो गांव में विकास हुआ है, गांव में जो भी विकास किया है, इसने किसी के लिए मना नहीं करा। कोई भी काम आया, कोई पोजीशन है या अपोजिशन है, इसने किसी के लिए ये नहीं कहा मैं तेरा काम नहीं करूँगा। और गांव का हालात आपको देख रहा, यहाँ दिल्ली का बच्चा बन रहा, ये रास्ता है, इसमें रात को आप आओ तो लाइट वगैरह और ये रास्ता नहीं गिराया। साकिब खान ने इस रास्ते को बनवाया था और ये पहले ये बहुत बेकार रास्ता था, कम से पानी भरा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी निकलने बढ़ने के लिए। तो ये साकिब सरपंच ने गाँव की फील्ड का रास्ता है तो इतना अच्छा बनाया कि गांव में बहुत ज़्यादा विकास बढ़िया कराए। रास्ता है गाँव का मेन रास्ता है। पहले की हालत थी इसकी और अब भैया की हालत है कि हिंदू सवारी ना। साकिब सरपंच हैं मौजूदा हैं और पीछे जो है उन्होंने फिरनी का रास्ता, पानी की निकासी और कुछ ट्रांसफार्मर नए रखवाए, काफ़ी हद तक जो है उन्होंने विकास कार्य किए। बाकी फंड के अभाव में अधूरा रह रहा है अभी, अगर उनको और विकास राशि मिल जाए तो अभी और काम हो सकता है। मेवात के गांव नीम खेड़ा की साकिर सरपंच ने 5 साल के कार्यकाल में तस्वीर बदल कर रख दी। जिस गांव को काफी समय से विकास का इंतजार था, सरपंच ने उस इंतजार को 5 साल के कार्यकाल में खत्म कर दिया। नीम खेड़ा के ग्रामीणों ने भी माना है कि उनके गांव में वाकई विकास हुआ है। जिन रास्तों से कभी निकलना मुश्किल होता था, आज वही रास्ते नीम खेड़ा गाँव की शान को बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस गांव ने मेवात को विधायक से लेकर मंत्री तक दिए हैं, लेकिन हालात फिर भी नहीं सुधरे। हैरत की बात तो ये है कि जिस गांव की दुर्दशा को विधायक व मंत्री नहीं सुधार पाए, उसकी तस्वीर को एक सरपंच ने अपने कार्यकाल में बदल दिया। नीम खेड़ा गाँव के लोगों ने बताया कि जितना विकास उनके गांव में साकिर सरपंच ने कराया है, उसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की। उन्होंने बताया कि गांव के हर रास्ते को टाइलों से पक्का बनवाया, खंबे खंबे पर लाइटें लगवाई, पशुओं के लिए पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए 2 नए जोहड़ बनवाए। इसके अलावा कब्रिस्तान में 4 दीवारी से लेकर नमाज अदा करने के लिए टाइलें बिछाई, स्कूल में हरे भरे पेड़ पौधे तथा गांव से दूरी पर बसी कॉलोनियों में बिजली पहुंचाने के साथ साथ रास्तों की भी मरम्मत कराई। इतना ही नहीं, नीम खेड़ा गाँव से रानोता के लिए एक रास्ते का निर्माण भी कराया, जिससे अब नीम खेड़ा गाँव के लोगों को पड़ोसी गांव रानोता मानोता आने जाने के लिए अधिक समय नहीं बिताना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं नीम खेड़ा गाँव के लोगों से, इस विकास के बारे में उनका क्या कहना है। मेरा नाम रणजीत है जी। रणजीत जी, गांव कौन सा? गांव नीम खेड़ा जी। ये जो रास्ता है जिसमें टाइलें बिछी हुई हैं जी, कौन सा रास्ता है, कब इसमें टाइल बिछी और किसने ये विकास कराया? ये जी, इसमें टाइल तकरीबन 3-4 महीने पहले हमारे गांव के सरपंच साकिर खान ने इस रास्ते को बनवाया था। और ये पहले ये बहुत बेकार रास्ता था, कम से पानी भरा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी निकलने बढ़ने के लिए। तो ये साकिर सरपंच ने गांव की फिरनी का रास्ता है तो इतना अच्छा बनाया कि गाँव में बहुत ज़्यादा विकास बढ़िया कराए हैं। मेरा नाम सर आस मोहम्मद, चौकीदार हूँ। और ये भी सही है जी, मैंने इसके लिए वोट नहीं दिया सरपंच के लिए। कौन से सरपंच के लिए वोट नहीं दिया आपने? मैंने साकिब सरपंच के लिए वोट नहीं दिया है। अच्छा, तो जो गांव में विकास हुआ है, गांव में जो भी विकास किया है, इसने किसी के लिए मना नहीं करा। कोई भी काम आया, कोई पोजीशन है या अपोजिशन है, इसने किसी के लिए ये नहीं कहा मैं तेरा काम नहीं करूँगा। और गाँव का हालात आपको दिख रहा, यहाँ दिल्ली का बच्चा बन रहा, ये रास्ता है, इसमें रात को आप आओ तो लाइट वगैरह और ये रास्ता दिख रहा है आपको। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। फारूक जी, कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार शख्स हैं गांव के। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, कैसा विकास हुआ गांव में, कौन सरपंच है और जो रास्ते थे, पानी की किल्लत थी या हम बात करें बिजली थी, कैसे विकास हुआ? जनाब साकिब सरपंच हैं जो मौजूदा हैं और पीछे जो है उन्होंने फिरनी का रास्ता, पानी की निकासी और कुछ ट्रांसफार्मर नए रखवाए हैं, काफ़ी हद तक जो है उन्होंने विकास कार्य किए हैं। बाकी फंड के अभाव में अधूरा रह रहा है अभी, अगर उनको और
विकास राशि मिल जाए तो अभी और काम हो सकता है। जैसे अभी हमारा एक मुख्य रास्ता अधूरा है, फिरनी का रास्ता अधूरा है, बाकी उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। जिस तरीके से एक मुखिया के गांव की जो जिम्मेदारी होती है, क्या ये आपका सरपंच जिम्मेदारी पर खरा उतरा है 5 साल में? हाँ बेशक, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी निष्ठा के साथ निभाया है। गांव वालों की जबानी तो आपने सुन ही ली, चलिए अब आपको नीम खेड़ा के विकास में 4 चांद लगाने वाले सरपंच से रूबरू कराते हैं। अगर आपने भी अपने गांव का विकास इसी तरह कराया है तो खबर के लिए डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। तो आपने, आप सरपंच हैं गोकुंज के नीम खेड़ा गाँव के, जी। 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा है, क्या विकास कराया 5 साल में और किस तरीके से गांव के हालातों को सुधारने में आपने योगदान निभाया? जब मैं गांव का सरपंच नहीं था तो मेरे गांव में कहीं के भी आप पैदल नहीं निकल सकते थे, मतलब चोगर घालू खड्डा कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा थी। जिस बाद में सरपंच बना हूँ, मेरे गांव में इतना विकास हुआ है कि अभी तक किसी गाँव में विकास नहीं हुआ। रास्तों में क्या कराया आपने और जो गली है मोहल्लों की, या फिर हम बात करें बिजली की या पानी की, ये जो कुछ कॉलोनियाँ गांव से दूर बसी हुई हैं उनके लिए क्या कराया? जो गांव से कॉलोनी है दूर बसी पड़ी उनके लिए मैंने बिजली की, पानी की और रास्तों की पूरी सुविधा की है। और जब मैं गांव की फिरनी, आप देख सकते हो मेरे गांव की फिरनी जबरदस्त पैसा लगाया, 6-6 फुट डंडा करके मैंने गाँव की फिरनी बनाई, का जासू गाँव की विकास बढ़िया हो। बात हम शिक्षा के कर रहे हैं, स्कूल के लिए क्या कदम उठाए? स्कूल के लिए मैंने मतलब DC साहब से मिला हूँ, स्कूल के कमरे बनवाए हैं, पौधे लगवाए हैं, भर्त किया है, पढ़ाई मास्टर जो है नहीं आता उनके लिए उनसे हमने थोड़ा सा जोर दिया अधिकारियों से, मतलब बढ़िया काम हुआ मेरे गाँव। इसके अलावा अगर पशुओं के लिए पानी की बात की जाए तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैंने गांव से 1 किलोमीटर दूर जो वाल हैं, गाय हैं जो बेचारी पहाड़ों में चरती हैं, पशु जो पहाड़ों में चरता है, वहां मैंने 2 जोड़ खुदवाए 5-5 किलो में, और वहां से 2 किलोमीटर लाइन लगवा के और उसका पानी की मतलब उसमें पानी के लिए प्रबंध किया है, और उसे मतलब पशु उससे बहुत जीवित रहते हैं। इस गाँव ने कई विधायक भी दिए, कई मंत्री भी दिए, कई नेता इस गाँव से रहे हैं, मेवात में जाना माना गाँव है, उनके तरफ से गांव के लिए क्या हुआ? आज़ाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर रहा इस गांव से पहले, और इस गांव में उसके बाद में विधायक रईस खान अपने यहां चेयरमैन रहे थे वक्फ बोर्ड से, और राज्य मंत्री भी रहा, उसने 4 साल तक मेरे नीम खेड़ा गांव के लिए एक भी पैसे नहीं आने दिया। तो मैं अपने विकास के लिए DC साहब से कई बार रिक्वेस्ट की, मैं DC साहब मेरे गाँव में कोई विकास नहीं है, तो DC साहब ने इस गाँव के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं और इस गाँव का विकास भी कराया है। तो आपके जो गांव का विकास, इसमें कहीं ना कहीं उपायुक्त का जो सहयोग है, योगदान रहा है? पूरा DC साहब का योगदान रहा मेरे गांव में, नहीं तो मेरे गांव में विधायक रईस खान ने 4 साल तक कोई पैसा नहीं आने दिया, 1 भी रुपये नहीं आने दिया। ऑनलाइन खाता है, HRDF से कोई पैसा नहीं आया, सिर्फ PRI SFC से पैसा, और ये DC साहब ने जो पैसा दिया उनसे विकास हुआ मेरे गाँव। क्या वजह रही, क्यों रोक लगाई गई? इसलिए रोक लगाई जी, मैंने आज़ाद मोहम्मद डिप्टी स्पीकर का बेटा जो वसीम आज़ाद सरपंची महाराज, यही कारण रहा कि गांव में विकास ना तो उन्होंने पहले कराया और ना विकास उसने होने दिया, फिर भी DC साहब ने थोड़ा गांव के लिए पैसे दिए तो गांव का विकास हुआ।